नमस्कार, आप देख रहे हैं जनुदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है कि दिल्ली में उपचुनाव होने वाले हैं, उसी कड़ी में आज अग्रवाल समाज ने सेक्टर 24 के अंदर एक सभा का आयोजन किया। इस सभा का नेतृत्व किया प्रवीण बंसल जी ने, जो कि बीजेपी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कि इस मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे आदेश गुप्ता जी और साथ में देवेंद्र सोलंकी जी। आदेश गुप्ता जी ने बताया, लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि अग्रवाल समाज जो है वो हमेशा तत्पर रहता है लोगों की भलाई के लिए आगे भी। उसी कड़ी में उन्होंने सबसे निवेदन भी किया कि आने वाले उपचुनाव के अंदर बीजेपी को भारी मतों से विजयी बनाया जाए। आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। ये बहुत कथा होती है साहब, तो परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। मैं इशारों में बात करूंगा, आप सब समझ जाएंगे, बुद्धिजीवी लोग यहां बैठे हैं, कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन और फैले हुए उनके पर बोलते हैं और खामोश रहते हैं जो लोग अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो निश्चित रूप से मंजिल हमें मिलेगी, बिल्कुल इशारे इशारों में बात मेरी समझ जाओगे। दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, योगेंद्र चंदोलिया जी हमारे प्रदेश हमारे समाज के प्रमुख लोगों से प्रार्थना है, हमारे समाज के प्रधान सभी से प्रार्थना है कि महाराजा जी का दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रार्थना करूंगा सभी अग्रम बंधुओं से प्रार्थना है कि वो अपने अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और अगर कुल की शान भाई आदेश गुप्ता जी आ चुके हैं। मनोज लोहिया जी, राजेंद्र बंसल जी पॉकेट चार से, शीशपाल जी, करण अग्रवाल जी, पवन जी, महाराज महाराज की जय। आदेश जी, आज यहाँ पे अग्रवाल हाथ में चला, कुछ इसके बारे में बताएं। ये आज धोनी सेक्टर 24 और 25 के अग्रवाल समाज के सभी बंधुओं ने यहाँ पार्टी के फोन आ रहा है ना, और यहाँ से ये उन्होंने संकल्प व्यक्त किया, ये ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश गोयल को हम यहाँ से भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। आपने जो है अभी बात करी उज्ज्वला और सारी योजनाओं, तो अगर मैं बात करूँ आज पेट्रोल जो है वो पेट्रोल का रेट जो है 90 बार कर दिया, देखिए पूरे देश के अंदर पेट्रोल की कीमत 3 कारणों से तय होती है। एक इंटरनेशनल कीमत होती है, दूसरी देश के अंदर टैक्स लगता है, तीसरा राज्य सरकारें जीएसटी लगाती हैं। आज आसाम के अंदर हो या पहले दिल्ली में सस्ता मिलता था, अन्य राज्यों में महंगा मिलता था, अब उल्टा हो गया है। दिल्ली में जो जीएसटी पहले कम था, आज वो 30% जीएसटी दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब केजरीवाल जी ने लगा दिया है। प्रवीण जी, आज यहाँ पे जो अग्रवंश का ये प्रोग्राम रखा गया है, इसके बारे में बताइए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में एक ऐसे नए संगठन का विस्तार और उसका नई संरचना हुई है, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी को दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिया गया है जी। ये पूरे अग्रसेन समाज जो दिल्ली से आता है उसकी आन बान और शान का विषय है जी। तो ये जो कार्यक्रम आज रखा गया है, केवल और केवल इस दृष्टि से रखा गया, हमारे समाज से एक व्यक्ति को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व दिया गया तो उसका अभिनंदन करने का दायित्व हमारे समाज का बनता, तो आज उनका अभिनंदन पूरे समाज ने अपने सिरमौर समझ के रोहिणी सेक्टर 24 और 25 में किया गया है जी। अगर मैं बात करूं कि राकेश गोयल जी जो कि वार्ड 32N से जो है वो उम्मीदवार हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना कंपटीशन है आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का?
देखिए, जैसे मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी और आदेश जी के नेतृत्व में हम लोग कोई प्रतिस्पर्धा की रेस में दौड़ में नहीं है। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, विकास। और जितनी भी अव्यवस्था, आप देखिए, आम आदमी की जो दिल्ली में बैठी 6 साल में जो अराजक सरकार है, वो केवल एनार्किज्म यानी व्यवस्था को ना मानने वाली सरकार है। जितनी भी उन्होंने योजनाएं उन्होंने 2015 में लेके आए, जिसके बलबूते जनता ने उनको इतना बड़ा जनादेश दिया, जो उनको 70 में से 67 सीटें जिता के दिल्ली की सरकार में काबिज किया, 70 एजेंडे पे, मैनिफेस्टो पे वो लोग चुनाव लड़के आए थे। मैं खुद नीति एवं शोध विभाग भारतीय जनता पार्टी का सह प्रमुख हूँ दिल्ली प्रदेश का। मेरे पास एक एक आंकड़ा है, 70 में से 67 मुद्दे ऐसे हैं, 67, जिस पर पूरी तरह से दिल्ली सरकार, आम आदमी की सरकार, भ्रष्ट सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। तो आप बताइए, जनता किसका साथ देगी? दिल्ली की जनता सजग है, पढ़ी लिखी है, जानती है, एक बार गलती कर सकती है, बातों में आ सकती है, परंतु जनता पूरी तरह से हमारे साथ है। जहां जहां हम जाके संपर्क कर रहे हैं, मेरे साथ यहां की क्षेत्रीय निगम पार्षद बहन गायत्री गर्ग है, बहन कनिका जैन है, बहन प्रीति अग्रवाल है, ऋतु गोयल, हम लोग जा जाके घर घर जाके जब संपर्क कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि इस प्रकार से यहाँ पर इतनी भारी अव्यवस्था है, सुरक्षा की भावना की कमी है, साफ सफाई रख रखाव की कमी है। इन सबको जनता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को साथ देने का मन बना लिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। मैं कनिका संदीप जैन जी से बात करना चाहूँगी। कनिका जी, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है, जो हमारे राकेश गोयल जी हैं वो उम्मीदवार खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी जीत के आएगी? बिल्कुल जीत के आएगी और निश्चित तौर पर जीतेगी, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर घर घर घूम रहे हैं भाई राकेश गोयल के चुनाव के प्रसार में जी, तो यहाँ पर लगता है कि पिछले कई सालों से, क्योंकि जो यहाँ पर अभी जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी का है, निगम पार्षद है वो आम आदमी पार्टी का है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जनता को बिल्कुल अनदेखा कर दिया, उसके विकास को अनदेखा किया है, सड़कें और गड्ढों का पता ही नहीं चलता कहाँ गड्ढे हैं कहाँ सड़कें हैं, और हर चारों तरफ जो है अव्यवस्था है। तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर 100% अपनी जो यहाँ पर मैं अभी चुनाव प्रचार में लगी हुई हूँ, तो उसके बेस पर मैं कहना चाहूँगी कि निश्चित तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और जो कमल का जो फूल है यहाँ भी लहराएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका जी। संदीप जी, मैं अगर बात करूँ, जितने भी उम्मीदवार जब भी कोई पार्टी खड़ी होती है तो वो यही वादे करके आती है कि हम ये काम करवाएंगे, लेकिन जीत के बाद जो है उनके वादे कहाँ चले जाते हैं? जैसे पिछले 10 दिनों से हम सेक्टर 24 के डोर टू डोर जा रहे हैं जी, यहाँ के सभी लोग परेशान हैं जी। कहने को ये पोश कॉलोनी है, लेकिन यहाँ जो गलियाँ हैं, सड़कें हैं, बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी हैं, और निगम पार्षद, ये सारा का सारा काम, सारे के सारे जो काम कराने का जिम्मा होता है वो निगम पार्षद का होता है, चाहे वो DDA का है, चाहे PWD का है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का है, तो सफाई की व्यवस्था का है। तो यहाँ का जो निगम पार्षद जो भी चुने गए थे पीछे, उन्होंने कहीं पर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया, और जिसके कारण यहाँ पर लोगों का अनदेखा हो रहा है। तो यहाँ के सभी लोगों का, 99% लोगों का मैं कहता हूँ, 24 में, सेक्टर 24 में रहने वाले सभी 99% लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, और विकास राकेश गोयल जी यहां से भारी बहुमत से सेक्टर 24 से जीत के जाने वाले जी। तो फिलहाल के लिए बस इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे जन उदय के साथ। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।